नमस्कार। 1857 सिपाही विद्रोहर 40 वर्ष पूर्वर ओडिया जाति लड़ीला देशर प्रथम ब्रिटिश विरोधी संगठित सशस्त्र संग्राम। अठरश सतर मसीह बक्सी जगबंधु नेतृत्व में पाइक युद्ध मान करते ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह। मात्र ओडिया वीरंकर ए महान विद्रोह इतिहास पृष्ठारे अनालोचित होता। ओडिया जातिर वीरत्वर कहानी को इतिहास गर्भर खोली विश्व दरबार में ओडिया जाति को नुआ परिचय देले मोदी सरकार। पूर्वर देश में अनेक सरकार आसी जा किंतु गत 8 वर्ष रे ओडिशा तथा ओडिया को जो गुरुत्व मिली पूर्वर कौनसी सरकार किंबा कौनसी प्रधानमंत्री शासन काल घटी नथिला तार यथेष्ट प्रमाण आमे ए स्वतंत्र उपस्थापना जरिया रे आपणक सामना रे रखी आसीछु। आउ पाइक विद्रोह को देशर प्रथम संगठित सशस्त्र संग्राम भाव रे मान्यता देबारे मोदी सरकार पाइक विद्रोह को देशर प्रथम स्वाधीनता संग्राम भाव रे मान्यता देवा तार आउ एक बलिष्ठ प्रमाण। यहाँ नहीं आमर स्वतंत्र उपस्थापना ओडिया वीरत्व को सम्मान। देश पालन करुछि स्वाधीनतार 75 वर्षर पूर्ति। ए 75 वर्ष स्वाधीनतार आद्य पुरोधा हेउछंती ओडिया। 1817 मसीह बक्सी जगबंधु नेतृत्व में पाइक योद्धा मान करते ब्रिटिश शासन विरोध में विद्रोह। ओडिया जाति लड़ीला देशर प्रथम संगठित सशस्त्र स्वाधीनता संग्राम। बक्सी समेत पिंडिके बाहुबलेन्द्र कृतिवास पाटसाणी तापंग दलबेहरा पी अनेक योद्धा झास देते संग्राम। पाइक विद्रोह में जाति वर्ण और अंचल निर्विशेष सारा ओडिशा होता सामिल। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आशीर्वाद नहीं ब्रिटिश विरोध में ओडिया जाति को एकाठी करी बक्सी जगबंधु देखाई ओडिया जातिर शक्ति संघर्ष त्याग तपस्या और बलिदान पराकाष्ठा। ओडिशार पाइक वीरंकर ब्रिटिश विरोध में यह संगठित सशस्त्र संग्राम 40 वर्ष पर 1857 देशर ब्रिटिश राज विरोध में होता सिपाही विद्रोह। पाइक विद्रोह साजिश सिपाही विद्रोह प्रेरणा किंतु इतिहास रे 1857 सिपाही विद्रोह को मिलता फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बा प्रथम स्वाधीनता संग्राम रो मान्यता। गत 7 दशंधि भितर देश और राज्य बहु सरकार क्षमता को आसी किंतु देश मातृकाई ओडिया पाइक योद्धा बलिदान को स्वीकृति देवा कहीं भी देखाई नथिले आंतरिकता। इतिहास गर्भरे लुचि जाइथिबा पाइक विद्रोह गौरव गाथा को खोली बाहर करिथिले मोदी सरकार। ओडिया पुव केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान तत्कालीन केन्द्र अर्थमंत्री अरुण जेटली को चिठी लिखा पर मोदी सरकार देखाई तत्परता। 2017 मसीह पाइक विद्रोह 200 वर्ष पालन पर केन्द्र बजेट होता स्वतंत्र व्यय बराद। 1817 a valiant uprising of the soldiers led by Bakshi Jagbandhu took place in Khorda of Orissa. We will commemorate the same appropriately. प्रथम थर पाई सारा देश जानिला जे ओडिया वीर माने सिपाही विद्रोह 40 वर्ष पूर्व ब्रिटिश राज विरोध रे संगठित सशस्त्र संग्राम लड़ीथिले। संसद रे तत्कालीन अर्थमंत्री ए घोषणा परे परे 16 एप्रिल 2017 रे ओडिशा गस्तरे आसीथिले प्रधानमंत्री मोदी। राजभवन आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे ब्रिटिश शासन विरोध में संग्राम करिथिबा वीर ओडिया योद्धांकर दायद मानंकु सम्मानित करिथिले पीएम मोदी। जय राजगुरु बक्सी जगबंधु दीनबंधु सामंतराय महापात्र दाम सुबुद्धि महाराज सामंत माधव चंद्र राउतराय पिंडिके बाहुबलेन्द्र कृतिवास पाटसाणी रेंडो माझी वीर सुरेन्द्र साय माधव सिंह चाखी खुंटिया चकरा बिशोई रघुनाथ महांती दिवाकर परिडा शहीद लक्ष्मण नायक लक्ष्मी इंदिरा पंडांकर वंशधर को सम्मानित करते प्रधानमंत्री। ओडिया वीरंकर बलिदान को इतिहास रे स्थान न मिलवा दुर्भाग्यजनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इतिहास के इस महान बलिदान की गाथाओं को बनाने में जिनके पूर्वजों ने प्राण की बाजी लगा दी, उन परिवारजनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। आप सबके आशीर्वाद बने रहे। आपके पूर्वजों के त्याग और तपस्या के अनुकूल 2022 में जब आज़ादी के 75 साल मनाएंगे, देश को उस दिशा में उनके सपनों वाला देश बनाने के लिए हम भरपूर प्रयास। यहाँ पर विधिवत भाव पाइक विद्रोह 200 वर्ष पूर्ति समारोह पालन शुभारंभ करते भारत सरकार। नुआदिल्ली में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। इट्स इंडीड अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी प्रेजेंट अमिडस्ट यू दिस इवनिंग टू सेलिब्रेट द 200th ईयर बाइसेंटेनरी ऑफ पाइक विद्रोह पाइक रिवेलियन इन ओडिशा। Indeed, I would not call it a rebellion by the Paikas, but frankly speaking, it is one of the earliest freedom movements of this country, which began in Odisha. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख शामिल हुई थे यह समारोह में। जहाँ उद्यम कथा एत बाट आगे ओडिया पु केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आउ एक बड़ घोषणा कर 100 कोटी टंका व्यय IOCL फाउंडेशन पक्षर खोर्धार ऐतिहासिक बरुणई पहाड़ निकट में एक पाइक विद्रोह स्मारकी निर्माण नहीं घोषणा कर धर्मेन्द्र। पाइक स्मारकीर भित्तिप्रस्तर स्थापन पर बरुणई ठारे 8 December 2019 एक विराट कार्यक्रम आयोजन कर महामहिम राष्ट्रपति करकमल पाइक विद्रोह स्मारकीर होता शिलान्यास। यहाँ के पाइक विद्रोहियों ने अन्याय के विरुद्ध निशस्त्र उठाया, उनका युद्ध घोष था जय जगन्नाथ। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्यपाल आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन तत्कालीन केन्द्र संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख उपस्थित रही पाइक विद्रोह महान योद्धा जयगान कर 200 वर्ष पर्यंत जो कीर्ति तैयारी करबा से कीर्ति पृथ्वी रे ओडिया जातिर गौरव कर्ता को केवल ऐतिहासिक दृष्टि प्रमाणित करबे नवे आगामी 200 वर्ष पर्यंत ओडिया जाति ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति प्रासंगिकता को प्रतिपादित करबो। पाइक विद्रोह स्मारक रे ओडिया वीर पाइक योद्धा बक्सी जगबंधु नभश्चुंभी प्रतिमूर्ति निर्माण होवार योजना रही। सही वर्ष मोदी सरकार पाइक विद्रोह स्मारक मुद्रा पाइक डाक टिकेट उन्मोचन सह उत्कल विश्वविद्यालय बक्सी जगबंधु चेयर शुभारंभ करते पाइक विद्रोह को स्वीकृति देवा नहीं मोदी सरकार पदक्षेप को विभिन्न समय मुक्त कंठ से प्रशंसा करिछंती पाइक योद्धा दयात वो संस्कृति प्रेमी माने समग्र पाइक जाति एवं समग्र ओडिशा पे गोटे गौरव एवं गर्वर विषय जे बहुदिन जो अवहेला निश्चित भाव कह अवहेला अवहेलित होता पाइक विद्रोह जो वीर योद्धा मैंने जो रिकग्निशन पाइबा को डिजर्व करते आज पर्यंत से अणदेखा कराइला किंतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एवं माननीय केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रचेषा जगू आज से रिकग्निशन टी पाई पाइक मैंने जो अच्छे ये पाइक दायित्व सब बरुणी एरिया भितर हम दलई दल बेहरा पाइक समस्त समस्ते गर्वित आज जो दिन ये दिन जहा 200 वर्ष पर आसूच मैंने भारी खुशी ए वर्ष गर्वित ए वर्ष बर्तमान धर्मेन्द्र प्रधान जो भाया जिनस कर जाति की बचाई जहाँ कर कोटि कोटि नमस्कार बरुणी पाखे धर्मेन्द्र प्रधान जय जहा
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇକ ବାହିନୀ ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଇକ ଦାୟତ ମାନେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର ଦାୟତ ମାନଙ୍କୁ ରାଜଭବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଇ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ରେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ 200 ବର୍ଷକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାବଧାନ କଲେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର 200 ବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ବରୁଣେଇଠାରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାବଧାନ କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଶେଷ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନି, ଜାତୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ 62-63 ପୃଷ୍ଠାରେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା। ଏବଂ ବିଗତ 2014 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ 8 ବର୍ଷର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନର ଗୋଟେ ହିସାବ କରାଯାଏ, ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଯେତିକି ଅନୁଦାନ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସମଗ୍ର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତର ଭାରତବର୍ଷରେ, କେବଳ ଏ 8 ବର୍ଷ ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳିଛି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏତିକିରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲା। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରେରଣା, ଏନେଇ ସଂସଦରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ। ଏଥିସହ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ NCERTର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସଂସଦରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା। ସଂସଦରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ବିଶଦ ଗବେଷଣା କରିଛି। 1817-1825 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଶୌର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇନଥିଲେ ହୁଏତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମହାନ ସେନାନୀଙ୍କୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ କେଉଁଠି କମ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇନଥିଲେ ଆଜି ବି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଅନାଲୋଚିତ ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ଆମର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।